दो रॉकेट जा रहे हैं और ये कह रहे हैं चलो चलो इजराइल में गिरते हैं गिरते हैं लेकिन ये मिसाइलवा जो जो है यहाँ से पिछवा से आता है इसमें निकलती रहती हैं तिरंगे और ये बिछवा में घुस जाता है इनके और जैसे घुसता है और ये अपने आप को खुद को फाड़ लेता है यानी दोनों खत्म। खुद तो डूबे और इसको भी ले डूबे तो इस वीडियो में हम जाने कि आयरन डोम डिफेंस सिस्टम क्या है और ये किस तरीके से काम करता है दोस्तों सबसे पहले हम जाने कि आयरन डोम का मतलब क्या होता है तो आपको बता दें कि आयरन का मतलब होता है लोहा और डोम का मतलब होता है एक तरह से यानी ये एक लोहे जैसा गुम्म बना देता है और इसके अंदर आने वाले एरिया को ये सुरक्षा करता है तो इजराइल ने इसीलिए इसको खास तरीके से बनाया कि जो है कि इजराइल जो है कि बहुत ही छोटा देश है तो वहाँ पर उसकी एरिया को अपने सिक्योर करने के लिए जो है कि आयर एन को बनाया हुआ है यह खासकर जो है कि रॉकेट आर्टिलरी या फिर ड्रोन सिस्टम के लिए बनाया है और इसकी जो रेंज है वो सत्तर किलोमीटर है तो जो है कि अगर 70 किलोमीटर यानी मान लीजिए गाजा से कोई रॉकेट आ रहा है तो उसके लिए खासकर डिज़ाइन किया गया है ठीक है ताकि जो है कि इसराइल को सिक्योर करके रखा जाए बात करते हैं यहाँ पर जो है कि ये काम कैसे करता है तो आपको बता दें कि जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है रॉकेट ठीक है अब यहाँ पर अगर कोई रॉकेट आता है तो ये ये रडार जो है लगा होता है ये ये डिटेक्ट कर लेता है कि रॉकेट वहाँ से आ रहा है ठीक है तो बच जाता है सारन अब जैसे यहाँ से डिटेक्ट करेगा ये कंट्रोल रूम को दे देगा इंफॉर्मेशन कि यहाँ से रॉकेट आ रहा है अब ये जो कंट्रोल रूम है अब इसका काम है पॉइंट चेक करना है यानी कहाँ पे गिर रहा है जैसे इसको पता चलेगा कि यहाँ से रॉकेट आ रहा है और यहाँ गिरेगा ये यह लॉन्चर कहेगा भाई अब तू जो मार अब ये जाके यहाँ पर मिसाइल को ख़त्म कर देता है ठीक है तो इस तरीके से काम करता है अब आगे चलते हैं अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये है हमास यानी गाजा के जो आतंकवादी हैं वो हमास हैं अब इनके पास ये जो रॉकेट है ये रॉकेट अनगाइडेड है इस कोई गाइडेड चीज़ नहीं लगा है ये केवल सिंपल ही होता है इसको तो पाइप से पाइप जो होती है लोहे की उसको भी काट कर उसमें टी एन टी लगा कर उसको भी जो है कि उससे मारते हैं ये कहाँ जा कर गिरे इनको कोई दिक्कत नहीं है उससे बस गिरना चाहिए यानी किसी तरह की तबाही होनी चाहिए और इससे कोई मतलब नहीं कई बार ये रॉकेट केवल यहीं भी कहीं आसपास में जा गिर जाते हैं कई बार जाके इजराइल में भी गिर जाते हैं तो वहाँ पर तबाही होती है तो इनका आर्मी से कोई लेना देना नहीं है केवल तबाही से ही मतलब है अब जब ये रॉकेट वहाँ से दागते हैं तो ये जो रडार लगा रहता है ये डिटेक्ट कर लेता तुरंत ये रडार जो है कि यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है कि वहाँ से कोई रॉकेट आ रहा है अब देखो मान लीजिए वहाँ से रॉकेट आ रहा होता है जैसे रॉकेट आ रहा है तब ये रडार सिस्टम जो है ये डिटेक्ट करेगा और डिटेक्ट करके कंट्रोल रूम को इंफॉर्मेशन दे देगा कि किस पॉइंट पर यानी किस जगह ये गिरेगा तब ये जो है कि लॉन्चर को यहाँ पर कहेगा कि आप जाइए और यहाँ इसको मारिए तो लॉन्चर से मिसाइल निकालती है और मिसाइल को जाकर मारती है ठीक है तो यहाँ पर जो है कि रॉकेट दागते हैं और तो ये सिस्टम डिटेक्ट करता है और ये कंट्रोल रूम को इंफॉर्मेशन करता है अब कंट्रोल रूम में ये देख पा रहे हैं कंट्रोल रूम होता है इनका और यहाँ पर इनके लोग बैठे रहते हैं और ये चेक करते रहते हैं कि जो रॉकेट आ रहा है वो किस एरिया में गिरने वाला है अगर जो रिहायशी एरिया में गिरने वाला है तब तो ये जो है कि इस पर तो मिसाइल दागेंगे अगर जो है खाली एरिया में गिरने वाला है तो उसको छोड़ देंगे ठीक है अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है कि इजराइल की ये जगह जो थोड़ा पथरीली है अब यहाँ पे देख रहे खाली जगह है ठीक है अगर यहाँ पे रॉकेट गिर रहा है तो इसको छोड़ देंगे कहें कि भाई जाओ इससे कोई हमें दिक्कत ही नहीं है अगर खाली जगह है तो जाने दो अगर यहाँ पर एरिया में अगर गिर रहा है तब जो है कि एयर डिफेंस सिस्टम्स जो इंटरसेप्टर है उसको छोड़ा जाएगा मिसाइल इसको ख़त्म करो ठीक है तो इस तरह से काम करता है अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है जो है कि इंटरसेप्टर ठीक है इंटरसेप्टर मिसाइल होती है इसमें एक दो तीन चार अगर इधर से देखें तो चार है लेकिन अगर सामने से देखेंगे तो पांच होता है यानी पाँच चौक बीस इसमें इंटरसेप्टर होते हैं एक लॉन्चर में बीस इंटरसेप्टर होते हैं और इसमें जो मिसाइल लगी होती है वो तामीर मिसाइल लगी होती है ठीक है तो इसमें तामीर मिसाइल लगाई जाती है और यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो मिसाइल होती है तामीर ये जो है कि इसमें अनगाइडेड मिसाइल होती है इसमें किसी तरीके जो है गाइडेड सिस्टम नहीं लगा है कि ये मिसाइल जो है कि कहाँ पे मारना है टारगेट को किधर से मारना है तो उसका काम करता है ये रडार ये रडार इसको बताता है कि भाई इधर के मारना है ठीक है तो इस जो है कि रडार का ही सारा काम होता है अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो मिसाइल है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल सेंसर लगा होता है जो इलेक्ट्रिकल ऑप्टिकल सेंसर है उसमें से निकलती हैं तरंगे और यहाँ पर लगा होता है वारहेड ठीक है तो अब ये जैसे ही यहाँ पे जो तरंगे निकलती रहते हैं इधर उधर ये इसमें टकराती है मिसाइल से तुरंत ही अपने आप को ये फाड़ लेता है तब मिसाइल आ रही है और इसमें तरंगे टकरा गए तुरंत अपने आप को फाड़ लेगा तो मिसाइल कभी जो है कि अब बिल्कुल सीधी तरीके सीधी मिसाइल नहीं टकराती है मिसाइल आसपास से जाती है उसमें जो तरंगे निकलती रहते हैं उस तरंगे से ही टकराती हैं उसी समय जो है कि ये अपने आप को ब्लास्ट कर लेता है और इतना ही ख़तरनाक इम्पेक्ट होता है कि उस मिसाइल को जो है कि वो ख़त्म कर देता है अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इसमें तरंगे निकलते हैं। अगर मिसाइल इधर से आ रही कोई राकेट और ये जो इंटरसेप्टर है तामीर अगर यहाँ जा रही तो इसके बगल बगल निकल रही तरंगे और इसमें टकराएगा तो ब्लास्ट हो जाएगा यानी बहुत ही ख़तरनाक हो जाती है अगर यहीं पर देखें तो ये जो मिसाइल है अगर इसके आगे से अगर कोई चीज़ चली जाए तब ये काम नहीं कर पाएगा क्योंकि इसकी तरंगे इसमें टकराएंगी नहीं क्योंकि ये देखो आसपास जो तरंगे निकल रही हैं ये नहीं टकरा पाएंगे क्योंकि ये आगे से चला जा रहा है तो इस तरह से ये जो है थोड़ा अनसक्सेसफुल हो जाता है लेकिन यहाँ पर जो है कि ये सक्सेस हो, हो जाता है क्योंकि इसमें तरंगे टकरा जाती हैं अब यहाँ पर देख पा रहे हैं मान लीजिए दो मिसाइल हो जाए दो रॉकेट जा रहे हैं और ये कह रहे हैं चलो चलो मतलब इजराइल में गिरते हैं गिरते हैं लेकिन ये मिसाइलवा जो है यहाँ से पिछवा से आता है इसमें से निकलती रहती हैं तिरंगे और ये बिचवा में घुस जाता है इनके और जैसे घुसता है और ये अपने आप को खुद को फाड़ लेता है यानी दोनों खत्म खुद तो डूबे और इसको भी ले डूबे तो वही हाल है ठीक है अब यहाँ पे आपको बता दें ये जो आयरन डोम है वो हर जो है कि बेदर में चाहे शाम हो या रात हो या धूप हो छाँ हो बारिश हो हर जो है मौसम में काम करता है ठीक है तो इसको जो है कि आल वेदर में काम करने का जो है कि बनाया गया है पे आपको बताते हैं कि भारत भी एक ऐसे जो है कि अरडोम की तरह सिस्टम बनाया है जिसे हम जो है कि बोलते हैं आकाश आकाश एन ठीक है आकाश न्यू जनरेशन की जो है कि एक मिसाइल जो है कि भारत भी बना बना रहा है जिसकी जो है कि क्षमता है यानी कि इसमें छः रॉकेट लगे होंगे इंटरसेप्टर लगा होगा यानी एक बार में जो है कि ये चार मिसाइलों को मार सकता है एक ही बार में चार मिसाइलों को मार सकता है और इसमें जो मिसाइलें लगी होती हैं आकाश एन की लगी होती हैं और इसकी जो मारक क्षमता है वो लगभग है पैंतीस से चालीस किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है तो उसी तरह जो है कि शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जो है कि भारत भी बना रहा है यहाँ पर